Kolunka Chibai to all my Tiprasa friends. मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. अभी अभी मैंने देखा है प्रेस ब्रीफिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और उन्होंने क्लियरली आज कहा है कि जैसे स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा था, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जा रहा था, कॉकबोरोक में रोमन स्क्रिप्ट और बांग्ला में लिखने का ऑप्शन था, वो ऑप्शन को बदला नहीं जाएगा और इस साल भी तिप्रासा लोग के पास दोनों ऑप्शन रहेगा टू अपियर इन द एग्जाम्स इन अ स्क्रिप्ट दैट दे वांट टू. मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और आपका सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज आप लोग एक नहीं होते तो मुश्किल बहुत होता, क्योंकि आज आपने एक आवाज में अपने पार्टी के बारे नहीं सोचा, अपने कम्युनिटी के बारे सोचा, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचा. एक माँ जिसने जिंदगी में स्कूल नहीं गया है, उसने अपने बच्चे के बारे सोचा. एक पिताजी जो गांव में काम करता है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसने अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचा. और एक नंबर में एक संग हम लोग हर जगह आए, इसके लिए आज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने अपने तरफ से एक स्टेटमेंट बयान दिया है कि जो हमारे तिप्रासा स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अपना एग्जाम रोमन स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट जैसे चल रहा था वैसे ही एग्जाम दे पाएंगे. कोई उनको प्रेशर नहीं कर सकता है कि वो एक ही स्क्रिप्ट में लिखे और एक स्क्रिप्ट को छोड़ दे. ये मेरा जीत नहीं है, ये आपका भी जीत नहीं है, ये हमारे भविष्य का जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका भी.